जो कि दिल्ली से आ रही है इस वक्त, जहां यूपी समेत देश के 12 राज्यों में आईएस सक्रिय है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है। एनआईए ने आईएस की मौजूदगी के संबंध में 17 केस दर्ज किए हैं। इस मामले में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दक्षिणी राज्यों समेत विभिन्न राज्यों से कई लोग आईएस में भर्ती हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि आईएस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो ये जानकारी दी गई है कि ऐसे कई राज्य हैं जहाँ आईएस सक्रिय है और साथ ही कई ऐसे युवा भी हैं जो भर्ती भी हुए हैं आईएएस में, जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसको लेकर जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ये जानकारी दी है। हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव बने हुए हैं। ब्रजेश जी, आईएएस को लेकर जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि एनआईए ने आईएएस की मौजूदगी के संबंध में 17 ऐसे राज्य बताए हैं जहां से आईएएस सबसे ज्यादा सक्रिय है ये संगठन, और कई युवा ऐसे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आईएएस की तरफ गए हैं या फिर भर्ती होने की कोशिश की है, ज्वाइनिंग की कोशिश की है। तो वाकई ये बहुत ज्यादा गंभीरता वाला और यहाँ पर परेशानी चिंताजनक मामला है कि अगर 17 राज्यों में आईएएस इस वक्त सक्रिय है तो फिर इसका भविष्य बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है, अभी हाल ही में दिल्ली से अबू यूसुफ की गिरफ्तारी हुई थी जिसके तार भी यूपी के साथ जुड़े हुए थे कि किस तरह से अबू यूसुफ जो है यहाँ पर खुरासान मॉड्यूल, जो आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल है, उसके जो है मेंबर के तौर पर यानी कि एज अ स्लीपर सेल यहाँ पर काम कर रहा था और उसके बाद अयोध्या और दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। ये पूरी जो है एक अहम गिरफ्तारी अबू यूसुफ के तौर पर हुई थी। इसके साथ अगर देखा जाए तो 2 साल पहले लखनऊ में एक आईएसआईएस के एक आतंकी को एनआईए ने एनकाउंटर के बाद उसे मार गिराया था, उसका कनेक्शन भी कानपुर के साथ मिला था। तो ऐसे कई ऐसे मामले सामने आए हैं, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर यानी वेस्ट यूपी में कई जगह पर आईएसआईएस मॉड्यूल की मौजूदगी पाई गई थी। तो ये हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस की गतिविधियां बढ़ी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आईएसआईएस का जो पूरा जो ग्लोबल टेररिज्म नेक्सस था इसको ध्वस्त होने के बाद ये थोड़ा सा सुस्त जरूर पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में अबू यूसुफ की गिरफ्तारी हुई उसने ये तय कर दिया कि आईएसआईएस अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, उसके तार भी उत्तर प्रदेश से जुड़ते थे, यही सबसे बड़ी बात है। तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये पूरा क्राइम नेक्सस जो है आईएसआईएस का नेक्सस अभी भी एक्टिव है, और जो सबसे ज्यादा आईएसआईएस के मिलिटेंट से आईएसआईएस के जो खुरासान मॉड्यूल के मेंबर है उनकी सबसे बड़ी आतंकियों की मौजूदगी इन 12 राज्यों में है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और ये अपने आप में बेहद ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी इससे पहले कुछ आतंकी संगठनों के भी आईएसआईएस से हाथ मिलाने की इनको सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे। ऐसे में ये और ज्यादा चिंताजनक हो जाता है कि आईएसआईएस की यूपी में मौजूदगी और कुछ आतंकी संगठनों के साथ आईएसआईएस का कोलैबोरेशन, ये कुल मिलाकर के आतंक के खतरे को और बढ़ा देता है। ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। तो बता दें आपको कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य ऐसे हैं जहां आईएस सक्रिय है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो ये वो राज्य हैं जहां आईएस सबसे ज्यादा सक्रिय है। ये 12 राज्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी दी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी।